यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। एक खास पैनल मेरे साथ है, बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका जी। शुक्रिया। कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। इनेलो से जोगी राम जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हैं, साथ ही विकास शर्मा हैं, आरएसएस समर्थक आप हैं, बहुत स्वागत है सभी का। ढींगरा साहब, क्या कुछ उम्मीदें थी प्रणब मुखर्जी बोलेंगे, कोई संदेश देकर आएंगे, आरएसएस को किसी तरह का पाठ पढ़ाया जाएगा, कांग्रेस को तो इस तरह की भी शायद उम्मीदें थी कि वो आलोचना कर दे मंच से, लेकिन वही बातें कही गई कमोबेश जो कि मोहन भागवत की ओर से कही गई मंच से। नहीं ज्योति, मैं थोड़ा सा इस बात से अलग वो रखता हूं, क्योंकि भागवत जी ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि जो संघ सर्व समाज के लिए जो है वो एक है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर वो एक है तो इनके जो आरएसएस के लोग टीवी चैनलों और डिबेटों पे बैठते हैं, वो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बहसों में कैसी बात करते हैं, उनका व्यक्तित्व किस तरीके का होता है। वो मुस्लिम को अपने भारत में नहीं समझते, ईसाई को भारत में नहीं समझते, इंदिरा गांधी अपना सोनिया गांधी को इटली का बोलते हैं, दूसरे लोगों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो भी तो आरएसएस के ही लोग हैं। मोहन भागवत जी इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान चैनल के ऊपर बात कर रहा हो या अपने इलाके में स्पीच दे रहा हो, तो पाकिस्तान अपनी स्पीच इस तरीके से दे रहा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, भारत से इधर अपनी स्पीच दे रहा होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। ये तो अच्छी अच्छी बात तो हर एक बंदा करता है। नहीं देखिए, आप आलोचना करेंगे, मोहन भागवत की आलोचना करेंगे, लेकिन प्रणब मुखर्जी की ओर से कहा गया वो भी कमोबेश वैसा ही है, उसी तरह की बातें कही गई। मैं आपको यही चीज का उदाहरण दे रहा हूँ। पहले मैं एक बात पे आया था कि जो मोहन भागवत जी ने अपनी स्पीच में कहा, लेकिन उनके नीचे जो सभी लोग जितने आरएसएस के लोग हैं वो क्या हिंदू मुस्लिम और दूसरे लोगों को, ईसाई को, अन्य लोगों के साथ क्या एक वर्ताव करते हैं या अलग अलग वर्ताव करते हैं, ये इशू है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से प्रणब मुखर्जी ने कहा, उन्होंने टॉलरेंस पे बात करी, इनटॉलरेंस पे आप और टॉलरेंस पे आप मुद्दा देखिए, चार जजों ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन चार जजेस की आप वाणी सुनिए कि वो टॉलरेंस के ऊपर क्या बात कह रहे हैं कि हमारे इस समय के टाइम नहीं बोले थे। देखिए मैं सहिष्णुता पे नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल जब हमारे देश के अंदर जब आवाज उठ रही है बठिंडा के ऊपर, बाद उन्होंने टॉलरेंस की बात कोयंबटूर की हो रही है, बठिंडा लेके जा रहे हैं। एक और बात नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से दखल दी जा रही है, हालांकि अलग विषय था, बिल्कुल अलग विषय था, लेकिन उन्होंने टॉलरेंस की बात की। और आपको एक और मुद्दे की बात कह रहा हूं, उन्होंने एक बात हिस्ट्री के ऊपर जिक्र किया, हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, सीधे तौर पर कहा गया कि धर्म निरपेक्षता जो है आस्था है, तो इसमें हिंदुत्व या किसी भी धर्म विशेष की बात रही नहीं जाती। जब आरएसएस के प्रमुख मंच से ये कहें चौहान साहब कि धर्म निरपेक्षता जो है, ये बातें कही गई लगातार, दोनों के जो भाषण रहे करीब करीब एक जैसे रहे, धर्म निरपेक्षता को लेकर बोले हैं, और प्रणब मुखर्जी की ओर से कहा गया कि धर्म निरपेक्ष होना ही हमारी आस्था है, सेकुलर होना। देखिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने जो बात कही और सरसंघचालक पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बात कही, दोनों अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी शब्दावली में बोले, लेकिन दोनों के संबोधन का, दोनों के भाषण का सारांश यही है कि भारत ये कोई नया राष्ट्र नहीं है जो 1947 में बना हो, भारत विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र है, उस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहिष्णुता है, उसकी पंथ निरपेक्षता है, हमने सबका स्वागत किया है इस देश में, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी ये है कि तमाम तरह की विविधताओं के बावजूद हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक एकता है, और वही एकता इस देश को हजारों हजार साल से जोड़े हुए है। यही बात सरसंघ चालक जी ने कही, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से कहता आ रहा है, उसको अपने अंदाज में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने कहा। एक मिनट देखिए, लेकिन गांधी जी का हवाला दिया गया, उसको कट किया गया, कहा गया कि राष्ट्रीयता विध्वंसक नहीं हो सकती, मैं फिर नहीं होनी चाहिए भारत की, ये किसी तरह का संदेश है। देखिए सुनिए मेरी बात, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि हमारी राष्ट्रीयता विध्वंसक नहीं है, ये तो संघ बारंबार यही कहता है, गांधी जी के हवाले से संघ नहीं, उन्होंने गांधी जी के हवाले से कहा,
गांधी जी के आने और कहने से पहले भी भारत की राष्ट्रीयता कभी विध्वंसक रही ही नहीं। हम कभी भी इनको रोक लीजिए, इनको रोक लीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन थे? देखिए ज्योति जी, ज्योति जी इनकी बारी में बैठो ना भैया, बेतुकी बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। रुको यार, कैसे मेरी बात होने दो, फिर अपनी बारी में बोल लेना। फिर कह रहा हूँ मेरी बात पूरा होने दीजिए, बीच में बोलेंगे मैं भी नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड सर, जल्दी। भारत की राष्ट्रीयता आदिकाल से मारने वाले लोगों को कैसे जाऊं फिर इन असहिष्णु और संकीर्ण लोगों को आप डिबेट में बुलाते हो? ये चर्चा हो रही है क्या? ज्योति जी रोक नहीं पा रहे आप इनको। केवल डिंगरा साहब, केवल डिंगरा साहब बोल रहे हैं लोग। चर्चा चर्चा मुझे मेरी बात कहने दीजिए। एक दिशा में जाने अगर मेरा अधिकार है उसका जवाब आने दीजिए। बहुत जल्दी मैं उत्तर दे रहा हूँ। भारत की राष्ट्रीयता दोनों के दोनों नेताओं ने कहा कि वो आदिकाल से वो सकारात्मक राष्ट्रीयता रही है। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? सर समय दिया, आप इस बात का जवाब लेंगे। बड़ी बात आपने कही है, उसका भी जवाब हम लेंगे। ज्योति जी एक और बात मैं कह रहा हूँ कि केवल धींगड़ा जी की बौखलाहट और उनकी पार्टी की बौखलाहट यही। चुप हो जाओ, फिर सुन लो अपनी बारी में। अरे आपकी बारी में मैं नहीं बोला, सुन लो ना। अरे बीच में क्यों बोलते हो भाई, यही बौखलाहट है। मैं ये चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी बारी में बहुत बोले। मैं ये कह रहा हूं दोनों नेताओं ने ये कहा कि देश को, संघ कहता है परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, देश को आगे लेकर जाना है। डॉक्टर मुखर्जी ने क्या कहा? आइए इस देश को हैप्पी नेशन बनाएं। देश को उन्होंने डर से आजाद करना होगा। उन्होंने कहा ना, उन्होंने इसके बारे में आप जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं ना, दे रहा हूं, मैं देता हूं जवाब। अगर देश के लोगों को, सुनिए सर, अगर डर से आजाद किया जाना है, कौन से डर की बात कर रहे हैं? मैं बताता हूं कौन से डर। देखिए उन्होंने किस डर की बात की है तो वो बताएंगे, लेकिन मुझे भी मालूम है इस देश सुप्रीम कोर्ट के जज भी उठा रहे हैं, वो भी इसी बात को कह रहे हैं। ज्योति जी प्रश्न मुझसे है कि इनसे बताइए आप, मैं उत्तर दे रहा हूँ। एक मिनट जोगीराम जी, बीच में नहीं बोलिए। मैं ये कह, अब जोगीराम जी मेरी बारी में क्यों बोल रहे हो भाई? बोले नहीं, देश को निश्चित रूप से कुछ डर से मुक्त करने की जरूरत है। वो डर अज्ञानता का डर हो सकता है। अभी आगे बढ़ेंगे। वो डर कांग्रेस की संकीर्णता का डर है, वो कांग्रेस की असहिष्णुता का डर है, वो कांग्रेस की विघटन का डर है, उससे मुक्त करने में हम लगे हुए हैं। ज्योति जी हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के लिए मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था। एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, वो किसी, जब राष्ट्रपति बन जाता है किसी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं होता, राजनीतिक दल से, एक सामाजिक और सबका आदमी हो जाता है। और दूसरा, वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, किसी प्रोग्राम में कभी भी जा सकते हैं, उनके अपने विचार हैं। हाँ। एक तरह से अब वो फ्री हैं। ये कांग्रेस के लिए मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। हम इसका मतलब है कि इनके पास मुद्दों की कमी है। सुनिए, सुनिए क्या विचार रखे, सुनिए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए ढिंगरा साहब, नंबर एक प्रणब मुखर्जी और आरएसएस की विचारधाराएं कभी नहीं मिलती थी, अगर वो कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन अब वो एक सामाजिक प्राणी है, नहीं नहीं, अब वो कांग्रेस के नहीं है, अब वो सामाजिक प्राणी है, पूरे इंडिया के हैं, किसी पार्टी के नहीं, सैद्धांतिक तौर पर जा सकते हैं और जाना चाहिए। नंबर दो, बीजेपी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इनकी कथनी और करनी में ही फर्क है। एक तरफ कहते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, चर्चा कर लें, सुनिए, हम कहते हैं सत्य, सुनिए मेरे कहने बंद होने की तैयारी है, बंद होने पर बात करें। आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ मोहन भागवत जी कह रहे हैं हम सत्य सिखाते हैं, सत्य एक बार भी सत्य नहीं बोलते दिन में, सारा दिन अंदर से इनका मन काला है। yes. और ये लड़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको समझ नहीं आता। यूपी में देखिए, इन्होंने एक भी मुस्लिम को टिकट दी हो अपनी तरफ से। yes. इससे गलत उदाहरण क्या हो सकता है? टिकट के बीजेपी पार्टी मुस्लिम हिंदू हुआ जाता है, जाट नॉन जाट फलाना, ये इनका काम। जातिवादी पार्टी के प्रतिनिधि हो आप, तो केवल बोलने से फर्क नहीं पड़ता, जो ये बोल रहे हैं वो कुछ और ही बोल रहे हैं। नहीं, आपको मालूम, लेकिन इनकी कथनी करनी में फर्क है। जो पार्टी हरियाणा में जातिवादियों को लड़ाना छोड़ना, ये राष्ट्रीयता है ही नहीं, जो नाम ही नहीं, जो विषय है,
जो अगर मैं कह रहा हूँ कथनी आज के विषय पर चर्चा करिए, आज का विषय है तो विषय पर चर्चा करिए, इधर जाइए और विषय पर आइए। जोगीराम जी फिलहाल रुकेंगे, विषय पर आइए, बात करेंगे। केवल ढिंगरा साहब को भी लगता है कि मोहन भागवत जो मंच से कहते हैं वाकई वैसा नहीं है, नहीं है जो कि राम जी को भी लगता है कि आप लोग बात करते हैं, ये राजनीति जो रुकेंगे। विकास शर्मा जी बोलिए। पहले शुक्रिया मैम, मुझे समय दिया गया। बाकी जो रही बात, आज एक इतना सफल कार्यक्रम आपने देखा तो इससे एक बात तो साबित हो गया कि जो संघ की विचारधारा है, प्रणब मुखर्जी ने इस कार्यक्रम में, प्रणब मुखर्जी जी ने इस कार्यक्रम में आके संघ की जो आइडियोलॉजी थी जिसको लेकर राष्ट्र की संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी, तो आज वह सार्थक हो रही है। और समाज में, क्योंकि पहले आरएसएस के प्रति कांग्रेस ने इतना नकारात्मक तथ्य बताए थे, मैं ढिंगरा जी को बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम के निमानते, आपने कभी आरएसएस के कार्यक्रम में आके देखे, आज आरएसएस की कई शाखाएं जो गरीब लोग हैं उनके लिए सेवा भारती निशुल्क का काम करती है उनके हेल्थ के ऊपर, उसके अलावा हमको जो बोल रहे हैं आप रहे हैं संगठन में क्या भी मुस्लिम के लिए, ईसाई के लिए आपके क्या विचार हैं संघ के बारे में, आज साबित हो रहा है आपके आरएसएस कांग्रेस के विचार हैं उनके बारे में, आपके गलत धारणा से इतनी की बातें आप समाज लाइफ के रूप में हमारे देश में शादी हो गई है मीडिया में, दूसरी बात में उसके लिए आपका विचार क्या है, बैंक के बीच में नहीं बोला, उसके लिए क्या विचार है आपका, बैंक के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला, रुकेंगे प्लीज। तो कांग्रेस ने जो आरएसएस के प्रति एक गलत धारणा समाज में फैलाई थी, वो धीरे धीरे वो विचार लोगों तक जा रहा है, आप देख ही रहे हैं कैसे जा रहा है, बताइए ना। कांग्रेस ने गलत भावना फैलाई, हमने क्या कहा, हमने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दें उसका, मुस्लिम के बारे में आपका विचार क्या है, सारे जवाब देश के अंदर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बगावत क्यों थी, प्रणब जी ने कहा कि 122 लैंग्वेज हमारे देश के अंदर है, उन 22 लैंग्वेज को कौन मानता है, सर उन्होंने जवाब लिया जाए तो जवाब दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है, कांग्रेस से जुड़े जितने भी सवाल पैनल पर आएंगे सबके जवाब आपको देने हैं, लेकिन फिलहाल धैर्य रखिए। शर्मा जी जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आरएसएस का जो ये कार्यक्रम था कांग्रेस, आज हम मुद्दे पे आते हैं कि प्रणब मुखर्जी जी इस कार्यक्रम में क्यों गए, कांग्रेस ने इसके लिए बहुत प्रचार किया, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो कि सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन अगर वह किसी कार्यक्रम में जाते तो महात्मा गांधी जी भी 1934 में वर्धा में आरएसएस के कार्यक्रम में आए थे, तो उस कार्यक्रम में आर्य चौहान साहब, जादून साहब को चर्चा में जोड़ लें, जादून साहब कैसे इस पूरे ही एपिसोड को समझा जाए, प्लस अभी जो भाषण सुने उनको कैसे समझा जाए कि कमोबेश एक जैसी बातें की गई हैं, फिर ये कैसे माना जाए कांग्रेस के नेता जो कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से अलग रही है। देखिए, अगर भारतीय दर्शन की बात की जाए तो भारतीय दर्शन में तो ये है कि कुछ शाश्वत तत्व हैं जो ब्रह्मांड को और पूरी दुनिया को चलाते हैं, तो आरएसएस ने कोई अलग से अपनी विचारधारा ईजाद नहीं की, आरएसएस कोई विचारधारा लेके ही नहीं आई, आरएसएस ने ये महसूस किया, ये देखा कि ये शाश्वत तत्व हैं, इनको अपनाया जाना चाहिए, जिस पर आरएसएस काम कर रही है। और प्रणब मुखर्जी अगर कहीं बोल रहे हैं और वास्तव में ईमानदारी से बोलना है तो उनको शाश्वत तत्वों से, जो एटर्नल चीजें हैं, उन्हीं पर बोलना पड़ेगा। तो इसमें ये एक बड़ा कारण है कि प्रणब मुखर्जी बोलना पड़ेगा, क्या मजबूरी रही फिर, मजबूरी नहीं, शाश्वत को आप नकार नहीं सकते ना, सत्य को आप झुटला सकते हैं क्या, सत्य को झुटला नहीं सकते, तो आपको सत्य बोलना है तो बोलना ही है ना, फिर सत्य को आप किसी भी तर्क से काट नहीं सकते, सत्य अपनी जगह अकाट है, तो वो उसी आधार पर बोले। संघ को लेकर तो वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले, देश को लेकर बोले, देश को लेकर बोले, उन्होंने राष्ट्रपति पर बोले, राष्ट्रपति पर बोले, लेकिन संघ की विचारधारा, उनकी जो राष्ट्रपति जिस तरह से उन्होंने परिभाषित की है, वो परिभाषा और संघ की परिभाषा में समानता दिखाई दी, तभी हम मान रहे हैं ना कि विचारों में एकता थी, विचारों में एकता थी, केवल विचारों में एकता थी, केवल विचारों में एकता का कारण क्या है, उसका तो जिक्र, देखिए केसी सुदर्शन ने एक बार ये कहा कि कुरान की जो शिक्षाएं हैं उपनिषदों से मिलती है, तो आखिर में क्यों कहा, इसलिए कहा कि शाश्वत तत्व बिखरे हुए वो सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। आप जैसे कि किसी परमाणु विज्ञान की बात करते हैं, हर तत्व में एक परमाणु मौजूद है, वैसे ही हर धर्म में कुछ शाश्वत तत्व जो एटर्नल कहे जाते हैं वो मौजूद है, तो देखिए कहीं ना कहीं समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने सारे तत्व ले लिए, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने कोई और परंपरा की ओर से उन सभी बातों पर मुहर लगा दी गई जो कि आरएसएस सोचती है, करती है, कहती है, जो कि आरएसएस के प्रमुख ने मन से कहा नहीं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने तीन चीजें इसमें जो है मेरे पॉइंट जो मैंने सुने हैं वो कहे उन्होंने, एक उन्होंने टॉलरेंस पे बात करी, दूसरी उन्होंने सेकुलरिज्म पे बात करी, तीसरी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करी, और तीन चीजें जो है ये एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं मानती ये उसके ऊपर बात करी, और उन्होंने ये भी वर्ड बाद में कहे कि वी मे एग्री और वी मे नॉट एग्री, उन्होंने ये भी वर्ड कहे बीच में, आप उनको सुनिए अच्छे से तो आपको समानता और नॉन समानता का पता लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा वी मे एग्री और वी मे नॉट एग्री, उन्होंने कहा कि वाद प्रतिवाद की पूरी गुंजाइश है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, उन्होंने ये कहा टॉलरेंस के ऊपर, एक उन्होंने उसके ऊपर बोला, दूसरा उन्होंने सेकुलरिज्म पे बोला, उन्होंने ये कहा कि सेकुलरिज्म होना चाहिए लेकिन आरएसएस कॉम्युनल पार्टी है, ये नहीं नहीं कहा गया, ये नहीं नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, केवल ढिंगरा साहब अपनी बात सेकुलरिज्म पे बोले, आपको तीसरे बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे बोला, आपको कहा ये बोला हमारे देश का संविधान ये कहता है, ये लोग माने या ना माने चाहे लोग देखिए, ये नहीं कहा गया ना आरएसएस को कोई बड़ा सुझाव कोई दिया गया, जो कि कांग्रेस के कई नेताओं को, मैं राष्ट्रपति को परिभाषित करने आया हूँ, उन्होंने संघ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है संघ को लेकर नहीं बोले, और खास बात ये रही कि कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से सुझाव पेश किए गए थे कि मन से क्या बोले और क्या ना बोले, लेकिन जो सुझाव जितने दिए गए जितने प्रस्ताव दिए गए तमाम खारिज कर दिए गए मुखर्जी की ओर से। ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर प्रणव मुखर्जी ने कहा कि टॉलरेंस यानी सहिष्णुता भारतीय राष्ट्र का आधार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय समाज ये बात निरंतरता से जब से संघ स्थापित हुआ तब से संघ कह रहा है, मैसेज दिया उन्होंने, इनको इनका अदर हैंड, मैं यही कहना चाह रहा हूं ये मैसेज था, ये अदर हैंड पे मैसेज था, ये अदर हैंड पे मैसेज दिया, ये कहा मैंने ये कहा वो मैसेज दिया गया आपको, और उन्होंने ये भी कहा कि वी मे एग्री और वी मे नॉट एग्री, आपको समय दिया ना, आपको समय दिया गया, आपको समय दिया गया, आप चले जाने दो, देखिए देखिए कायदे से चर्चा की जाएगी, आपको समय दिया गया, आपको भी समय दिया जाएगा, चौहान साहब मुझे ये बताइए ये मेरी बारी में भी बोलने की, मैंने कहा इनको चौहान साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात मुझे मेरी बात कहने दीजिए, सहिष्णुता भारत की प्राचीनतम जो सांस्कृतिक विरासत है उसका हिस्सा है, संघ पहले दिन से यही बात कहता आ रहा है, सेकुलरिज्म कांग्रेस ने नहीं खोजा, सेकुलरिज्म भारत की रगों में है, खून में है, ढींगड़ा जी ने नहीं खोजा, अरे अरे सुन लीजिए चुप रहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास ये करते हैं ये कहते हैं और हम नहीं करते ये कहते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, अरे रुक लो यार बेमतलब की बातें करते हो, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि हम विश्वास करते हैं इसलिए देश की सबसे बड़ी इलेक्टेड पार्टी है, संविधान से यह ताकत प्राप्त की है जिसके दम पर देश का शासन चला रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ये कहें तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले तो इनको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। जो विशेष बात है उनके भाषण की मैं ये बताना चाहता हूं, जल्दी कांग्रेस को संकट, कांग्रेस हमेशा ये कहती रही और कांग्रेस में अधिकांश लोग ये कहते रहे कि देश तो अभी पैदा हुआ, भारत में जो प्राचीन गौरव करने वाली चीजें हैं उनका जिक्र तक करने में इनको शर्म आती रही है। डॉक्टर प्रणव मुखर्जी के आज के भाषण का सार ये है कि जब पूरी दुनिया में यूरोप में राष्ट्र का स्टेट नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं आया था उससे सैकड़ों वर्ष पहले भारत महाजनपदों के समय से यहां राष्ट्र, चलिए आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आपको पूरा पूरा वक्त दिया गया, जोगी राम जी गर्व है इस बात का कि हम जो कहते हैं वो डॉक्टर प्रणव मुखर्जी ने कहा और ये आज भी ये तो वो लोग हैं जो राम ने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर प्रणव बिल्कुल सही कहा, आपको आपको समझाने की कोशिश की, देश की प्राचीनता को मानेंगे, देखिए जो भारत की संस्कृति पर सवाल उठाने वाले लोग हैं देखिए डॉक्टर प्रणव मुखर्जी ने कंपोजिट कल्चर के बारे में बात की है जिसको मानते ही नहीं है, हम तो मानते हैं, आपको किसने कंपोजिट कल्चर को तो मानते ही नहीं है, कभी किसी को कह देते हैं ये तो पाकिस्तान से आया हुआ, ये फलां जगह से आया हुआ, ये वहां से आया हुआ, ये बार बार यही बोलते हैं, आप भूल गए आपकी पार्टी वालों ने कहा, एक ये बोलते हैं हम सत्य बोलते हैं,
और सत्य नाम के इनके कोई चीज है ही नहीं पार्टी के आरएसएस के नाम से बीजेपी को मिला और ये लाठी जो चला रहे ना लाठी तो हमारे स्कूल से ही है यार नहीं है क्या अपोजिट कल्चर का कोई नाम ही नहीं कहीं भी है बढ़ी है हालांकि चौहान साहब को लगता है कि पहले से ही बहुत स्वीकार्य है लेकिन जोगीराम जी क्या आपको लगता है कि स्वीकार्यता बढ़ी है नहीं बढ़ी है जब मंच पर बोलते हैं उन्होंने ठीक बोला उन्होंने संदेश दिया है उन्होंने संदेश दिया है आएंगे जोगीराम जी बोले उन्होंने संदेश दिया है कि हमें कंपोजिट कल्चर को मानना चाहिए जबकि आपने सुना आप सुन लेते हिंदी में बोले वो तो अंग्रेजी में भी बोले तो हिंदी में बोले इनकी इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तो हमें पता फिर कौन सा धार्मिक कौन सा धार्मिक है अब सत्य हमें विचारधारा से सीखना होगा वो सत्य साबित होगा जो आप मेरे बीच में बोल रहे हो आप चले जाओ ना तो मत बोलिए आप कह रहे मेरे बीच में बोले चले जाऊंगा आपने कहा आपके बारे में सिर्फ आपको बोलने दिया है और दूसरों के बारे में कहता मैं चले जाऊंगा झूठ तो आप बोल रहे हो मीट क्यों खा रहा है इसको मार देंगे हम कभी कहते हैं इनको हम टिकट नहीं देंगे कभी कुछ कहते हैं यूपी का एग्जांपल है आपने एक भी टिकट नहीं दिया मुस्लिम को ये क्यों देख रहा है की ओर से कहा गया कि लोगों को डर से आजादी की जरूरत है अपने विकास शर्मा जी क्या लगता है जोगी राम जी से रुके नहीं चौहान साहब आएंगे सर आएंगे आएंगे जमीन अभी चर्चा को बढ़ने दीजिए आगे आइए जल्दी की बात केनो बार बार दो तीन बार कह ली देखिए हरियाणा का कानून मैं कानून की बात करूंगा संविधान की बात करूंगा हरियाणा में गऊ का मांस खाने पर कानूनन रोक है जोगीराम जी खा के दिखाओ आपको भी भीतर कर देंगे पूरे देश में ये कानून आप क्यों नहीं कर रहे हैं गोवा में है क्या जहां आपकी सरकार है सिंपल सी गोवा में है क्या जहां आपकी सरकार है झूठ में आप कैसे भटक जाएंगे ये भी अपने आप में बड़ा विषय है क्यों चिल्लाते हो भारतीय झूठ पार्टी क्यों चिल्लाते हो मीट क्यों चिल्लाते हो भारतीय झूठ पार्टी है क्यों चिल्लाते हो क्या ये विषय है सर इन्होंने मीट मीट कहा मेरे उसका ये आप ये झूठ पार्टी है ना ये मीट 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 पर विकास शर्मा जी जो कहा गया कि डर से आजादी की जरूरत है अगर आरएसएस के कार्यक्रम में ये बात कही जाती है आपको क्या लगता है कौन सा वो डर है जो लोगों में कायम है और उसे खत्म किए जाने की जरूरत है बिल्कुल सही प्रणब मुखर्जी ने जो बात कही है सर ने कि एक संदेश जो हमारी संस्कृति है भारत की जो संस्कृति है तो इसमें ये सारी चीजें आती है इसको हम दूसरी दिशा में इसको नहीं लेना चाहिए कि आरएसएस के लिए कहिए इन्होंने हमारा कल्चर बताया और आरएसएस ने कब हिंसा के बारे में कहा है मुझे ये बता दीजिए आप और किस अहिंसा में आरएसएस इन्वॉल्व रहा है देश, देश में इतने सारी मुसीबतें आई 62 की लड़ाई 70 की लड़ाई आरएसएस की भूमिका के बारे में जानिए कि आरएसएस दो बार बैन भी लगा के दो बार बैन लगा आपातकाल का समय कुल मिलाकर तीन बार जो बाबरी विध्वंस के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया था विकास शर्मा जी तीन बार बैन किया गया तीन बार बैन लगाया आप लोगों पर आरोप लगाती रही हालांकि कांग्रेस आरोप लगाती रही देश को बांटने के आरोप लगाए गए आप लोगों पर डर कायम करने के हिंसा फैलाए जाने के आरोप लगाए विकास शर्मा जी विकास शर्मा जी ऐसे में अगर प्रणब मुखर्जी ये कहे कि डर को खत्म किए जाने की जरूरत है कैसे समझा जाए इस बात का जवाब दीजिए बिल्कुल गलत उन्होंने इस विषय में जिम्मेदार है कि नहीं इतने बारी जलाया आपने वो हमारे देश का बंटवारा के कार्यक्रम में आज भी खिलाफ है आज भी कहते हैं देश एक होना चाहिए आरएसएस का पक्ष तो सुनिए सर ये आरएसएस को लेकर बोल रहे हैं इनसे जवाब लिया आरएसएस का पक्ष आरएसएस का पक्ष सुन लीजिए सर देश को दूसरों की भी सुन लिया करो दूसरों की भी सुन लो पर बांटने के हम दूसरों से भी सुनो आज के खिलाफ है वो होगा आपकी पार्टी का देखिए देखिए उसने गांधी को मारा जिंदा के विषय से भटका जा रहा है आप इसे लेके आइए विषय को विषय पे लेके आइए हिंदुओं के हक में था क्या हमने बंटवारे के लिए आइए किसके हक में था बंटवारे के नाथूराम गोडसे किसके हक में था बंटवारे के खिलाफ देखिए बिल्कुल गलत दिख रहा है नेहरू समर्थन में उम्मीद ये थी कि आप आरएसएस को सुनेंगे पैनल पर सुनिए तो सुन रहा हूँ लेकिन बीच में सपोर्ट मारेंगे तो रोकूंगा जो प्रणब मुखर्जी आप कह रहे हैं कि उन्होंने शांति का जो बांट दिया है तो हमारा जो संघ का कल्चर है जो हमारी पद्धति है उसमें हम ये सारी चीजें पहले कहते आए हैं और रही बात जो आज विषय था कांग्रेस देखिए विषय पे आइए कांग्रेस का कहना था इससे पहले कि प्रणब मुखर्जी जी इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं मुद्दा वो था और इन्होंने इस मुद्दे को
सबने सुना उस कार ऐसा क्या कह दिया गया नहीं कांग्रेस ने इतना रोला मचाया हुआ था साबित होता है कांग्रेस केवल जाति के नाम पे धर्म के नाम पे ये आप गलत कह रहे हैं हमने बारे में जानिए आरएसएस का बनवासी कल्याण आश्रम जानिए मुस्लिम के लिए देखिए शर्मा जी सर रुके फिलहाल आप रुकिए कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने आपसे कहा गया शर्मा जी जवाब दीजिएगा लेकिन सवाल पूछेंगे तभी अभी रुकिए आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे केवल ढिंगरा साहब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कहा कि उनको इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए हैरान है कई नेता ऐसे रहे जो कि हैरान है जिनकी ओर से कहा गया खुद प्रणब मुखर्जी की बेटी की ओर से कहा गया कि वो भी इस बात से हैरान है कहीं ना कहीं उनकी तस्वीरों का आगे भी इस्तेमाल किया जाता रखेगा कि वो इस कार्यक्रम में गए थे आरएसएस और बीजेपी इस्तेमाल करेंगे आप ये कहते हैं कांग्रेस को परेशानी ही नहीं थी वो कार्यक्रम में जाते हैं आरएसएस प्रमुख के जैसा ही बोलते हैं तो कांग्रेस को तो परेशानी है स्वाभाविक तौर पर मैं जवाब देना चाहता हूँ ज्योति एक मिनट सुन ले जब वो कांग्रेस में थे तब उनके जाने की बात के लिए हैरानी करना किसी का कांग्रेस जन का कोई वो नहीं उनका तो एकाधिकार है क्यों रोकने की कोशिश करते किसी ने नहीं रोका सैद्धांतिक किसी ने नहीं रोका बात कहने का शशि थरूर की ओर से पीके कांग्रेस की ओर से कहा गया उनकी बेटी की ओर से कहा गया शहराज प्रवेश की ओर से कहा गया सर लंबी फेहरिस्त है लंबी एक लिस्ट है जिनकी ओर से कहा गया आप सुन लीजिए सुन लीजिए ऐसे ना आप मेरी बात का राष्ट्रपति की ओर से कहा गया बिल्कुल कांग्रेस का कई लोगों की ओर से इनकार किया गया बड़े कांग्रेस के सुनिए मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस में रहे हैं वो जब देश के राष्ट्रपति से ऊपर चले गए तो वो कहीं भी जा सकते हैं जहां कांग्रेस की बात है कांग्रेस ने सिर्फ हैरानी की बात कही है और कुछ नहीं दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे आप तो ये कहते हैं हैरानी भी क्यों होती है अगर वो आपकी पार्टी क्योंकि वो हमारी पार्टी के पुराने टाइम पे सारे पदों पे रहे हैं इसलिए हैरानी होती है लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जो पार्टी नाथूराम गोडसे की संबंधित पार्टी हो जिन्होंने गांधी जी को मारा हो उस पार्टी के साथ किस तरह से इनके विचार है झूठ बात सबने कही है और चलो दूसरी बात पे एक और बात कर रहे अरे आप तो बड़े आरोप आप लगा रहे हैं केवल ढींगरा साहब गांधी जी सही बात चुपती है केवल ढींगरा साहब आप गांधी जी के साथ क्या किया है सीधे तौर पर बीजेपी पर लगा रहे हैं केवल ढींगरा साहब केवल ढींगरा साहब कैसे क्या क्या सबूत साक्ष्य क्या है आपके पास रुकिए जॉन साहब रुकिए सर क्या साक्ष्य क्या है आपके पास बहुत बड़े आरोप आप लगा रहे हैं सुनिए फिर सुनिए क्या प्रमाण है झूठ रही इतना बड़ा झूठ एक मिनट सुनिए झूठ वापस लो जिस कांग्रेस आज की जो कांग्रेस है राहुल गांधी की है सुनिए तो सही कानून गांधी सुनिए तो सही अदालतों ने इनके झूठ को नकारा है कानून ने इनके झूठ को नकारा है सुनिए ये झूठ बोलेंगे और हमसे भारतीय झूठ बोलेंगे अभी इतना बड़ा आरोप लगाया है अभी इतना बड़ा आरोप लगाया है उसको कैसे डिफेंड करते हैं उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं वो फिलहाल सुनिए आप सुनिए अभी सुनिए कैसे सर कैसे गांधी की हत्या बीजेपी ने की सुनिए तो सही कैसे सुने तो सही बताइए कह रहा हूं ना देखिए सुनिए के बी हेडगेवर जो थे जिनके ऊपर ये गए थे जो प्रोग्राम था वहां पे ही वाज आल्सो इन कांग्रेस प्रीवियस टाइम आपको ये मालूम नहीं है मुझे मालूम है वो भी कांग्रेस के हिस्से में स्थापना के बाद वो भी कांग्रेस के हिस्से में 25 में भी आप कैसे कह सकते हैं संघ की स्थापना 25 में किस तरह के लोग गांधी जी 1924 सुनिए 25 में उनके पास जिस समय इंदिरा जी आपको ज्ञान नहीं है जिस समय 1924 में 1924 में बहुत बड़ा लगाया उसके बाद आप अलग चले गए सुनिए जिस समय गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया आरएसएस से अलग होके जो केबी हेडगोर थे उन्होंने आरएसएस से अलग होके गांधी जी का साथ दिया शायद आप देखिए स्वयं सेवक की परिभाषा आप नहीं आप, आप छोड़ दो जी ने गलत बात हिस्ट्री नहीं जानते आप उन्होंने जो जो प्रणब मुखर्जी ने जो उन्होंने जो बात कही जो उन्होंने कही कि सारा देश एक है मेरा उसके ऊपर एक भी सवाल नहीं है मेरा सवाल सिर्फ तीन बातों पर था जो मैंने रखी एक पहली बात कांग्रेस की सुन लीजिए पहली बात कांग्रेस की
दूसरी बात ये आरोप कई बार आरएसएस पर दिख रहा है। सुनिए सर, आपने जवाब दिया नहीं। सर आपने जवाब दिया, तीन सवाल थे, आपको समय दिया। तीनों का जवाब देने से पहले भागते हैं, अभी आएंगे। तीनों का जवाब देने से पहले क्यों भागते हैं? वीरेंद्र चौहान साहब, देखो एक मिनट, जोगीराम जी, जोगीराम जी सवाल मुझसे, मैं एक मिनट, मैं बोलता हूँ एक मिनट, ये कोई बात हुई? नहीं, मैं बोल लेना, मेरी बात नहीं, मैं एक मिनट, अभी आ रहे हैं सर, सवाल दिया। कांग्रेस की आदत है आरोप लगाओ और पतली गली से निकल लो। आपने लाइव इनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि इस पार्टी ने महात्मा गांधी की हत्या की, इसका आपके पास आधार क्या है? पार्टी ने नहीं कहा, सुल्तान गोट से ने की, मैं ये कह रहा था, पलट गए, मैंने ये कहा सुल्तान गोट से, मैंने कब कहा? अब ये बीच में कहा ये पार्टी से, ज्योति जी रुक लीजिए इनको, अरे शर्म करो, शर्म करो, झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस की बौखलाहट है, आगे चक्कर लो, ऐसे चर्चा कैसे होगी? संबंधित बीजेपी, झूठ मैंने ये कहा, लगाओ आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हिंदू संगठन, रुक जाइए, रुक जाइए, झूठे आरोप लगाओ और पतली गली से निकल लो, ये किसकी आदत हो गई? मैं तो ऑन एयर बोल रहा हूं, ये बीच में बोल रहा हूं, अलग सर, अभी टॉपिक से बहुत दूर चले जाएंगे अगर ऐसे ही रहे तो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को इस तरह का हिंदू समाज को बदनाम करने के कारण कांग्रेस की आज जो स्थिति है, हिंदू, अरे हिंदू कैसे हो, जैसे हिंदू दिख रहे, मैं खुद हिंदू, वो नकली जने उधारी सभी राम को संगठन है आरएसएस, जितनी बात कर देंगे आप कुछ भी बोलने की छूट है आपके स्टूडियो में? वीरेंद्र चौहान साहब सर बोलिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना कीजिए, मुद्दा बहुत गंभीर है, विषय को समझिए, बहुत गंभीर है, बोलिए, इनको रोकिएगा, मेरे बीच में नहीं बोले, बोले। कांग्रेस को ये बीमारी हो गई है, झूठे आरोप लगाओ, पतली गली से निकल जाओ। आज तक संघ को लेकर आरोप लगाए, इन्होंने संघ को प्रतिबंधित किया गांधी जी की हत्या के बाद, देश के कानून ने, जांच एजेंसियों ने, अदालत ने सारे आरोपों की स्क्रूटनी की और कहीं कोसों कोस तक भी संघ की कोई संलिप्तता उसमें पाई नहीं गई, लेकिन ये झूठे लोग आज भी उसी की रट लगाते हैं। कांग्रेस वो राजनीतिक दल है ज्योति जी, जिसने हिंदू समाज को कभी हिंदू टेरर कह के अपमानित किया, कभी गांधी जी की हत्यारा हिंदू विचारधारा को कहा, कभी इन्होंने अदालत में जाके बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गए और ये कहा राम तो काल्पनिक पात्र है। कांग्रेस की दुर्गति इसी तरह की भारत को और भारतीयता को और भारतीय संस्कृति को नकारने के कारण ने कहा ये फिर झूठ है। अरे भाई एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, अरे कौन सा एफिडेविट करने से, जो एफिडेविट बताएं, ये देखिए ज्योति, मैं बताता हूँ आपकी सरकार ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक पात्र है, राम सेतु काल्पनिक पात्र है, झूठ ये दोनों पार्टियां एफिडेविट देकर कहा। केवल वीरेंद्र साहब, वीरेंद्र चौहान साहब दोनों को वक्त दिया, जोगीराम जी को भी बोला है, काफी देर से उनको वक्त नहीं दिया गया। जोगीराम जी बात शुरू होती है कि धर्म निरपेक्ष है देश, राष्ट्रपति भी ये कहते हैं, पूरे ही पैनल पर बात है मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों पार्टी मुद्दे से भटक रही हैं। मुद्दा ये है कि आज की पूरी स्पीच में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने ये कहा कि भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं संघ के बारे में, कोई अच्छी टिप्पणी दी, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने ये काम कर दिया है, ये नहीं कर दिया है, कोई गोल मोल, कोई गोल नहीं, चीफ गेस्ट का काम होता है। हर वो भारतीय जो भारत की विविधता, भारत के मल्टीकल्चरलिज्म और इस देश की अनेकता में एकता में जिन व्यक्तियों का अटूट विश्वास है, जो भारत की सभ्यता का मूलभूत आधार भी है, श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का पाठ आरएसएस के मन से आरएसएस को पढ़ाया। आरएसएस की आंख और आत्मा पर जो मकड़ जाल जड़े हैं उनको उतारने का प्रयास भी किया। श्री प्रणब मुखर्जी ने
सच का आईना दिखाते हुए आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में आरएसएस और देश को ये बताने का प्रयास किया कि भारत उसकी विविधता में जीता है, भारत अहिंसा के अंदर जीता है, भारत की सहिष्णुता, भारत की सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता, अलग अलग रंग, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार, अलग अलग ड्रेस कोड्स, अलग अलग खान पीन की आदतें और अलग अलग शक्लों के बावजूद और हजारों डायलेक्ट 1600 से अधिक डायलेक्ट्स बोलने के बावजूद भारत एक सूत्र में बंधा हुआ देश है, यही भारत की खूबसूरती है। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर को उन्होंने बताया। मोदी सरकार को भी प्रणब मुखर्जी साहब ने राजधर्म की याद दिलाई और बताया कि किस प्रकार से शासक का की खुशी केवल और केवल देश की जनता की खुशी में है, शासक का कल्याण देश की जनता के कल्याण में है। एक छत्रवाद और अतिवाद किसी बात का हल नहीं हो सकते, जैसा उन्होंने कहा। जिस प्रकार से संस्थाओं पर एक छद्म राष्ट्रवाद का हवाला देकर हमले हो रहे हैं, उनकी याद दिलाते हुए भी श्री प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस और भाजपा, खास तौर से प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया। तो रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, केवल ढींगरा साहब, हालांकि आपको लगता है कि वो कांग्रेस में नहीं रहे तो कांग्रेस को जरूरत क्या पड़ जाती है उनके भाषण को, उनके संबोधन को अपनी तरह से परिभाषित करने की, इस बात का जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन चौहान साहब, अभी ये कहा गया कि आरएसएस को पाठ पढ़ाया गया, उनकी आत्मा के सामने, आरएसएस की आंखों के सामने जो मकर जाल छाया है उसको हटाया गया। देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो सरसंघ चालक जी ने कहा वो उस पर संघ आचरण करता है और डॉक्टर मुखर्जी ने वही बात कही है। ये तो कांग्रेस को अब प्रणब मुखर्जी का भाषण सुनने के बाद स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत जो राष्ट्र है ये कांग्रेसियों ने नहीं बनाया है, ये प्राचीनतम राष्ट्र है, इसकी ये जो सहिष्णुता की परंपरा है, ये पंथ निरपेक्षता की परंपरा है, ये कांग्रेस ने नहीं दी, ये गांधी खानदान एक परिवार ने नहीं दी, ये हजारों हजार साल पुरानी परंपरा है। मकर जाल अगर कहीं है तो रणदीप सुरजेवाला जी की आंखों पर है, उस कांग्रेस की आंखों पर है जो इतनी असहिष्णु हो गई कि प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े इंटेलेक्चुअल, देश के प्रथम नागरिक रह चुके, उनको वो संघ के कार्यक्रम में जाने से भी रोकने के लिए पूरी ताकत लगाए हुई थी। प्रणब मुखर्जी जब टॉलरेंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो रणदीप सुरजेवाला और उनके बॉस राहुल गांधी और उनके उन 30 चेले चपाटों को जिन्होंने चिट्ठियां लिख के उनको रोकने की कोशिश की, प्रणब मुखर्जी का संदेश, ये संदेश सुन लीजिए, ये सारे संदेश उन लोगों के लिए, कांग्रेस के नहीं रहे जब प्रणब मुखर्जी उन्होंने तारीफ किया जनता के सामने समझाने की जरूरत क्या पड़ जाती है। सुरजेवाला साहब को बताइए, कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की स्थिति में है, वो देश के खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कांग्रेस की स्थिति है। सर फिलहाल रिक्वेस्ट ये है, रणदीप का जवाब आने दीजिए, क्या ये कांग्रेस की बकवास है? रणदीप क्या ये कांग्रेस का जवाब है? बीच में तो बोले चुप हो नहीं सकते, दूसरों कहते हैं चुप होइए, आप भी चुप हो सकते हैं। मन से नहीं समझा पाए जो रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सामने आए हैं, उनकी ओर से बताया गया कि क्या कुछ कहा गया। देखिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो एक बहुत सीनियर और सम्माननीय नेता है, सम्माननीय व्यक्ति है। आपको ये बताऊं, आज जो है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के उन लोगों की या एक बहुत समझदार व्यक्तियों की जरूरत क्यों आन पड़ी,
वो समझाना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि इनके पास कोई व्यक्ति नहीं है। अब इनको समझाने की जरूरत जो है वो सभी आप ये देखिए, अगर अकेले हरियाणा के अंदर में आप पूरे देश के अंदर की गिनती नहीं करता, मैं सिर्फ एक हरियाणा की गिनती करता हूँ। इनको वरिंदर सिंह, राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक, सुभाष सुधा, हरविंदर कल्याण, अवतार की रणदीप सुरजेवाला मीडिया के सामने आए अपने तरीके से बताया गया कि भाषण ये दिया गया था, भाषण ये दिया गया था मीडिया के सामने। अब मैं भय नोचे चार आज का विषय ये है कि आपने ये कहा कि वो जो लोग आए हैं उसके ऊपर विषय है, और विषय के ऊपर जो प्रणब मुखर्जी ने बोला उनमें ये कहा, एक तो राजधर्म का पाठ पढ़ाया उन्होंने यही बोला, दूसरी बात कांग्रेस पे बोले, तीसरी बात सेक्युलरिज्म पे बात की, कितनी बात की सब कौन सी चीजें मोदी जी के आते हैं, आप इस सब की बात की मोदी जी के आते हैं, इनका सपने मोदी जी के आते हैं, आप इस तरह है बीजेपी और आरएसएस के लोग संदेश था उन्होंने एक बार भी आरएसएस के बारे में ये नहीं कहा, ये फला अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। देखने वाली बात ये ये कहा गया कि मोदी सरकार को राजधर्म का पाठ पढ़ाया गया मन से, भाषण ही नहीं सुना चाहिए। प्लीज मुझे मेरा आएंगे शिवाजी, प्लीज सर कीजिएगा कमेंट। देखिए ऐसा है कि ये प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में भाषण देने से कांग्रेस एक चिंतित हुई है जी, बिल्कुल। कांग्रेस को लगता है कि आरएसएस का एफिलिएशन बीजेपी के साथ है, और प्रणब मुखर्जी जैसी हस्ती जो राष्ट्रपति के पद पर संवैधानिक पद पर रह चुकी है और हेड ऑफ द नेशन रह चुके हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, तो वहां जाने से उनको खतरा ये पैदा हो गया कि भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ेगी और आरएसएस का कद बढ़ जाएगा, कुछ और बढ़ेगा। आज के कार्यक्रम में आपने एक साइड की बात तो कह दी, लेकिन दूसरा संदेश जो प्रणब जी ने जो बातें बताई, कांग्रेस के उन नेताओं के नाम लिए जो आजादी के उस कांग्रेस का नाम लिया, उन नेताओं का बाल गंगाधर तिलक का जिक्र किया, लेकिन क्या गांधी परिवार के किसी सदस्य का उन्होंने जिक्र किया? क्योंकि कांग्रेस की जो एक आज की जो कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक सीमित है, और उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है आरएसएस की विचारधारा को बदनाम करने का। चर्चा के लिए चर्चा यही की कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी कार्यक्रम में पहुंचे और जैसा मोहन भागवत बोले वैसा ही करीब करीब बोले, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को ये लगता है कि आरएसएस को पाठ पढ़ाया गया मंच के जरिए।